दोस्तों नमस्कार, आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं नीरज तिवारी जुड़ चुका हूं रमेश सर के साथ। आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है। जैसा कि अभी फॉरेस्ट गार्ड 1772 पद अनाउंस हो चुके हैं, एमपी पुलिस की 2-3 दिन में जानकारी आ जाएगी 7500 वैकेंसी की, पटवारी का अनाउंस हो चुका है, एसआई का 10 से 15 दिन में आ जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी तैयारी अच्छी चल रही है? क्या आप अपने आप को इस महाकुंभ में झोंक रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कुंभ में स्नान करूं और जीवन भर के लिए धन्य हो जाऊं? जो ये 4 और 60 का जो फार्मूला होता है कि आप डेली 4 घंटे पढ़िए और 60 साल तक आराम से जिंदगी गुजारिए। हमारे रमेश सर हमारे साथ हैं। आप हमारे रमेश सर हमें बताएंगे कि रिटर्न तो जरूरी है, रिटर्न आप करिए, क्योंकि रिटर्न के बिना तो आप फिजिकल दे नहीं पाएंगे, लेकिन रिटर्न प्लस फिजिकल दोनों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐलान हो चुका है कि 50% फिजिकल और 50% दोनों चाहिए। तो क्या जो पढ़ने वाला है वो सिलेक्शन ले सकता है? क्या जो फिजिकल कर रहा है वो सिलेक्शन ले सकता है? इसके बारे में हमारे रमेश सर जानकारी देंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है, बताइए सर। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी कमांड आपको रिटर्न में रखना है उतनी कमांड आपको फिजिकल में भी रखना पड़ेगा। जब दोनों का बैलेंस चलेगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब तो सिलेक्शन से है। अगर सिलेक्शन मान लो एक तराजू आपने मतलब ऊंचा कर दिया, एक नीचा कर दिया, तो आपका सिलेक्शन से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए साथियों, ये जो टाइम है, टाइम को बढ़िया से मैनेजमेंट करिए, फिजिकल एक टाइम जरूर करिए अगर आपको सही स्कोर करना है और रियल का सिलेक्शन लेना है। तो जैसे नीरज ने हमें मतलब ये सारे सवाल पूछे हैं, तो इन सवाल के साथ में जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म से ये हमारे दर्शक हमको देख पा रहे हैं, तो मैं उनको यही मैं बताना चाहता हूँ कि समय का मैनेजमेंट और कोचिंग का मैनेजमेंट और फिजिकल का मैनेजमेंट। सर आप हमें ये बताइए कि यदि कोई बच्चा फिजिकल करने के बाद थक जाता है और थकने के बाद वो अपनी प्रिपरेशन रिटर्न एग्जाम की नहीं कर पाता है, तो उसको कैसे फिजिकल करना चाहिए जिससे वो फिजिकल की भी तैयारी कर सके और रिटर्न की भी तैयारी कर सके? जब आप अच्छे एक्सपर्ट कोच के पास ट्रेनिंग करेंगे तो जो कोच ट्रेनिंग कराएगा उस कोच को रिकवरी इतनी अच्छी आनी चाहिए कि कितनी भी हैवी वर्कआउट करा दे और उसके बाद जो एक्सरसाइज हो कराए तो एक्सरसाइज इतनी स्मूथ करा दे कि पूरा फटीक आपके बॉडी से निकल जाए, तो आपको और ऊर्जा मिलेगी और आपको जो पढ़ने में और मजा आएगा और आपका मन लगेगा। तो सर हमें ये बताइए आप कि जैसे कोई बच्चा फिजिकल कर रहा है और उसको पूरे दिन रिटर्न की तैयारी करनी है, तो उसको कौन सी डाइट लेनी चाहिए और क्या फिजिकल के साथ साथ उसे कोई ऐसी टैबलेट यूज करनी चाहिए जिससे उसके अंदर हमेशा एनर्जी बनी रहे और हमेशा वो अच्छे एनर्जी के साथ रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर सके? मेन डाइट तो इसमें इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों, आपको क्या है कि काम मतलब बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अभी 10 से 12 घंटे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके लिए डाइट जरूरी है। डाइट के लिए जो ये नॉर्मल आप खाना खाते हैं घर में, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, इससे तो आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए जब आप ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं तो क्राउड का इस्तेमाल करिए, जैसे चना हो गया, अंकुरित और मूंग हो गया, थोड़ा बादाम हो गया, किशमिश हो गया। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो आपको बड़े आसानी से सस्ते दाम पे आपको शिलाजीत मिल जाएगी और शिलाजीत के साथ अश्वगंधा मिल जाएगा। अश्वगंधा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको ब्रेन को एक्टिव रखता है, और जो शिलाजीत होती है ये आपको क्या है कि जो ठंडक से थोड़ा सा बचाता है, आपको ठंड नहीं लगेगी। ठंड नहीं लगेगी तो आपको आलस नहीं आएगा। जब आपको आलस नहीं आएगा तो आप अपना वर्कआउट कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू उसको मतलब आपको थकान भी नहीं लगेगी। थकान के साथ साथ में आप कुछ भी मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्री जैसे फ्रूट्स होते हैं, ये जो मल्टी विटामिन है, तो मल्टी विटामिन हमें लेना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर आप जूस नहीं ले पा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट में महंगा है, इसके लिए आपको नॉर्मल मल्टी विटामिन लेना चाहिए जो सस्ती रेट पे हो। जैसे थोड़ा सा कैल्शियम की जरूरत होती है, थोड़ी सी इवियन की जरूरत होती है, विटामिन ई की जरूरत होती है, क्योंकि वर्कआउट में इनका ज़्यादा खपत होता है, ठीक है। और आपको बी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लेना चाहिए, क्योंकि B1 से लेकर के B12 तक की जो विटामिन है, मेटाबॉलिज्म को आपके डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूवमेंट करता है। तो 2-3 विटामिन आप लेते रहिए और क्राउड का इस्तेमाल करिए। अगर हो सके तो आपको फल थोड़ा सा आपको ले लेना चाहिए। फल में जैसे केला सस्ता मिल जाएगा, उसके साथ साथ मौसम अभी चल रहा है एप्पल का, एप्पल भी ले सकते हैं। और साथ में जो अगर सब्जी में देखा जाए
तो जैसे पालक हो गया, पालक ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, और जो हरी सब्जी इस समय मौसम का चल रहा है तो सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें। ऑयल से कम ऑयल में आप ज्यादा से ज्यादा मतलब सब्जी का इस्तेमाल करें और क्राउट का इस्तेमाल करें, जैसे चना मूंग और ये बादाम हुआ है, थोड़ा सा किशमिश है, इसको खाइए, आपको थकान ना लगेगी। देखिए जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, हम लोग तो क्या वर्कआउट करते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जिनको 18 से 20 घंटे काम करना पड़ता है, तो वो तो हर टाइम काम कर रहे हैं, उनसे सीखिए आप, और उनसे सीख करके वो भी तो इंसान है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो मसल्स अपनी कभी थकती नहीं है, क्योंकि अपनी जो माइटोकांड्रिया आप रिकवरी सिस्टम है, अगर अच्छे से आप ब्रीथिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पानी पर्याप्त पी रहे हैं, तो आपकी मसल्स नहीं थकेगी, आपकी रिकवरी सिस्टम प्रोसेस होगा, माइटोकांड्रिया आपका अच्छा काम करेगा बॉडी के हर सेल्स का, और साथ में आपको रिकवरी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा रमेश सर ने हमें बताया कि हमारी बॉडी हैवी वर्कआउट करने के बाद किस तरह रिलैक्स मूड में रहेगी, इस टाइम पे दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि एसएससी जीडी के रिटर्न एग्जाम की डेट आ चुकी है 10 जनवरी से लेकर के और आपके 14 फरवरी तक इसके एग्जाम चलेंगे। 14 फरवरी के तुरंत बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि इसका जो फिजिकल है वो मार्च या अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। तो सर आप हमें ये बताइए कि 5 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए पढ़ने के साथ डेली कितना वर्कआउट करें जिसके कारण उनकी एसएससी जीडी की एक अच्छी तैयारी हो जाए और वो वर्दी ले लें। नहीं तो एसएससी जीडी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 जनवरी तक आप फिजिकल पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि 5 किलोमीटर का रनिंग जो है तो 24 मिनट में है, तो आसानी से अगर 1 से 2 महीने आप कंटिन्यूटी वर्कआउट कर लेते हैं अच्छे कोच के मार्गदर्शन में, तो आपको आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। बट अगर MPSI और MP पुलिस में है, इसमें इवेंट ज़्यादा हो गए हैं, आपने मतलब एसएससी जीडी का पूछा, इसमें मैं और 2 इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो इनको जिनका ड्रीम है कि MPSI और MP पुलिस का, इसका फिजिकल हार्ड है, 5 इवेंट हो गए हैं, तो उसके लिए आपको 1 टाइम कम से कम 1 घंटा अपने लिए देना पड़ेगा। 1 घंटे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप ग्राउंड में गपशप ना मारिए, आइए कोच के मार्गदर्शन में स्ट्रेचिंग करिए, वर्कआउट करिए, चले जाइए, और थोड़ा सा आप जल्दी फटाफट अपने आप में रिकवरी करिए, दलिया उलिया खाइए और थोड़ा सा नाश्ता करिए, फिर आप अपने कोचिंग में चले जाइए, और रात में आपको 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक अच्छी गहरी नींद चाहिए। अगर आप नींद भी नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी नेक्स्ट दिन टूटेगी और आपकी रिकवरी नहीं होगी, तो आपका ना तो पढ़ने में मन लगेगा और ना ही आपको फिजिकल करने में नेक्स्ट दिन मन लगेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को रमेश सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसको अपने ऊपर अप्लाई करिए और ज्वाइनिंग लीजिए, वर्दी लीजिए, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिजिकल नहीं हो पा रहा है, सर हम क्या करें, उसके लिए कमेंट बॉक्स पर पूछिए, उसके लिए जरूर एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।